चलिए इसके अलावा एक बार अदानी समूह के शेयरों को देख लेते हैं, क्योंकि आज खबर है अदानी समूह पर और खबर पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के कोल ब्लॉक माइनिंग पर रोक लगी है और ट्राइबल कमीशन ने छत्तीसगढ़ में कोल माइनिंग पर रोक लगाई है। इसकी बारीकियां समझ लेते हैं। संतोष मौजूद है हमारे साथ। संतोष, अदानी के लिए अच्छी खबर नहीं है डेफिनेटली, लेकिन और क्या डिटेल्स है इस खबर से जुड़ी आपके पास? देखिए, अडानी समूह को छत्तीसगढ़ में एक कोल ब्लॉक मिला था, जिसको कि पारस ईस्ट है कोल ब्लॉक और केते बेसिन कोल ब्लॉक है। ये दोनों ही कोल ब्लॉक मिला था राजस्थान ऊर्जा विद्युत निगम को, और इसमें अडानी की जो कंपनी है, अडानी समूह की, अडानी मिनरल, वो उसमें 100% सब्सिडियरी है। तो कुल मिलाकर इसमें अब जो माइनिंग के लिए सरकार ने 8 जनवरी को छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया कि इसे पीएफए फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत वहाँ जो कम्युनिटी की जमीन थी, ट्राइबल की जमीन थी, उसको उसका अधिकार सस्पेंड कर दिया और उसको दे दिया, इस समूह को दे दिया। और इसको, क्योंकि आप जो पीएफए के तहत, फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत, आप जमीन को कम्युनिटी जो राइट्स है उसको सस्पेंड नहीं कर सकते, इसलिए ट्राइबल कमीशन ने इनको नोटिस इशू किया है। अब अगर यहाँ पर माइनिंग होनी है, माइनिंग ये समूह करना चाहता है, तो फिर इसे पहले तो एक्वायर करनी पड़ेगी जमीन, और उसके बाद ही यहाँ माइनिंग पॉसिबल है। तो लेकिन कुल मिलाकर ये बात सामने आई है कि अभी माइनिंग फिलहाल संभव नहीं है, दिखाई पड़ रहा है। जी, एफआरए एक्ट जो है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसमें इस तरह का प्रोविजन नहीं है, प्रावधान नहीं है कि एक बार राइट दे करके आप उसको छीन लीजिए, कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करना भी है तो उसको भरपाई भी करना चाहिए, हर्जाना देना चाहिए। दोनों ने किए, आप कैंसिल कर दिए लेकिन भरपाई भी नहीं दी है। इसीलिए कमीशन ने उनको नोटिस भेजा है कि बतावें कि किस कानून के तहत उन्होंने कैंसिल किया है, और क्यों नहीं जो ट्राइबल्स हैं जिनको अधिकार दिया गया था, अब वंचित किया जा रहा है, उनको हर्जाना दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए। तो अदानी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो कोल ब्लॉक हैं छत्तीसगढ़ में, उनको रद्द करने की बात सामने आ रही है। ट्राइबल कमीशन ने कहा है कि कोल ब्लॉक के आसपास की जो जमीन है वो आदिवासियों की है, इसीलिए वहां पर माइनिंग नहीं हो सकती है। अच्छी खबर नहीं है। अदानी इंटरप्राइजेस नीचे है, अदानी पोर्ट्स में 3% की मजबूती है, और अदानी पार फ्लैट विद अ पॉजिटिव बाजार के साथ ट्रेड कर रहा है।